तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम इंटरनेशनल टॉपिक्स पे कुछ मिसलिनियस जीके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल टॉपिक्स पे डिस्कस करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कुछ बिजनेस हाउसेस के बारे में इंडिया के, जिनकी कंपनीज हैं और उसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं तीन क्वेश्चन और फटाफट से डिस्कस कर लेती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं बिजनेस फैमिलीज पे जो ऑलरेडी आ भी चुके हैं ACIO में। तो जिस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि SR ग्रुप ऑफ कंपनीज इज प्रमोटेड बाय विच फैमिली, ये क्वेश्चन ऑलरेडी ACIO में आ चुका है। इसका आंसर है द रुइयास। इसी तरीके से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे RPG ग्रुप प्रोड्यूसर ऑफ CEAT टायर्स इज रिलेटेड टू, तो जो आंसर है वो है आपका द गोयनकास। और फोर्स मोटर्स मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रैवलर इज रिलेटेड टू, तो आंसर आपका है द फिरोडियास। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके बिजनेस फैमिलीज पे आ सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम है, तो इसलिए बाकी कंट्रीज की इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और ऑलरेडी ACIO में जो है वो ये क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें आपको कंट्रीज दी गई थी और उनके रिलेटेड आई भी दी गई थी, और ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी जो है वो मिसमैच है। तो ये भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो एक नज़र इस पे आप ज़रूर डाल लीजिएगा। आप या तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। PDF हम कोशिश कर रहे हैं प्रोवाइड करने की, करवा देंगे, लेकिन तब तक आप अपनी इस तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए आपकी कंट्री, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी, वो कब बनी थी और उसके हेडक्वार्टर कहाँ है, वो सब मैंने स्लाइड में लिख दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें जो कुछ चीज़ें हैं बताने की, वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, उसके दो ऑपरेशंस बहुत ही रिमार्केबल है। एक है असैसिनेशन ऑफ ओसामा बिन लादेन, और दूसरा जो है ऑपरेशन जो 1954 में कैरी आउट हुआ था, उसका नाम है PB सक्सेस। PB सक्सेस नाम का ऑपरेशन था, तो वो भी CIA से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऑपरेशन PB सक्सेस जो है वो कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़ा हुआ है, तो CIA से जुड़ा हुआ है। क्या है ऑपरेशन PB सक्सेस? PB सक्सेस जो ऑपरेशन था, उसमें जो US था, उसने US बैग्ड रिबेल्स टू ओवरथ्रो द डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ ग्वाटामेला। तो ग्वाटामेला का जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेजिडेंट था, उसको ओवरथ्रो किया था रिबेलियंस ने, और उनको हेल्प की थी US ने। तो उस सारे ऑपरेशन का जो नाम है वो PB सक्सेस है, और फाइनली इससे जो आपका ग्वाटामेलन रेवोल्यूशन है वो एंड हो गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट थी CIA की, तो ये बाई चांस पूछी जा सकती है, तो यहाँ आप इसका ध्यान रखें। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो ये बाकी कंट्रीज़ की, जर्मनी, चाइना, फ्रांस, रशिया, इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। आप इसे देख सकते हैं, पॉज करके आप इसके नोट्स बना सकते हैं। तो इसमें से मैं रशिया के बारे में बात करना चाहूँगी, तो रशिया की जो है इंटेलिजेंस एजेंसी वो GRU है, लेकिन इसके साथ साथ बिफोर द फॉल ऑफ USSR कंट्रीज मेन स्पाई एजेंसी इनकी KGB थी। USSR कंट्रीज के फॉल से पहले जो मेन स्पाई एजेंसी थी वो KGB थी, और उसको फाइनली जो है 1996 में रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्स्टिन ने डिसकंटिन्यू कर दिया था। उसके डिसकंटिन्यूएशन के बाद GRU जो है वो मेन लाइमलाइट में आ गई थी। तो इसको आप ध्यान रखें कि KGB भी रशियन ही इंटेलिजेंस एजेंसी थी। उसके बाद इसराइल की हम अगर बात कर लें, तो इसराइल की जो है मोसाड इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो बहुत ही पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी है, और इसको गॉड फादर ऑफ ऑल इंटेलिजेंस एजेंसीज माना जा सकता है। तो इसका जो मेन मिशन, जो एक यादगार मिशन रहा, वो है एंटेबे रेस्क्यू। एंटेबे रेस्क्यू, तो अगर पूछा जाए एंटेबे रेस्क्यू जो है वो किस इंटेलिजेंस एजेंसी से रिलेटेड है, तो वो जो मिशन है वो मोसाड से रिलेटेड है। क्या था एंटेबे रेस्क्यू? इट वॉज अ सक्सेसफुल काउंटर टेररिस्ट हॉस्टेज रेस्क्यू मिशन कैरिड आउट बाय द कमांडोज ऑफ द इसराइल डिफेंस फोर्सेज। तो इसराइल डिफेंस फोर्सेज के कमांडोज ने ये ऑपरेशन कैरी आउट किया था, और किसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी? इंफॉर्मेशन जो है वो मोसाड ने प्रोवाइड की थी।
और कहाँ पे हुआ था ये? एंटेबे एयरपोर्ट इन युगांडा में हुआ था। कहाँ हुआ था ये मिशन? एंटेबे एयरपोर्ट इन युगांडा 1976। तो ये बहुत ही फेमस मिशन है, तो इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे देख लेते हैं। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मैंने लिस्ट बनाई है, उनके हेडक्वार्टर कहाँ है इसकी लिस्ट बनाई है। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है आपका ACIU में, तो प्लीज़ आप इसे देख लें, पॉज करके नोट्स बना लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसमें मैंने आपका ऑर्गेनाइजेशन लिखी है, उसके हेडक्वार्टर लिखे हैं और वो कब बनी थी ये लिखा है। अगली स्लाइड में भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हेडक्वार्टर है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मोस्टली जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस की कई पार्ट्स हैं, वो जो है वो जिनेवा जिनीवा स्विट्जरलैंड में हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि काफ़ी सारे जो है वो जिनीवा स्विट्जरलैंड में हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले में भी आप देख लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है, जैसे कि इंटरनेशनल रेन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो है उसका हेडक्वार्टर आबू धाबी में है और ये 2009 में बनी थी। उसके बाद आपकी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो न्यूयॉर्क यूएसए में उसका हेडक्वार्टर है। फिर यूनिसेफ जो है, जो बच्चों की ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी न्यूयॉर्क यूएसए में हेडक्वार्टर है। यूनेस्को जो है, जो एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस का ही हिस्सा है, उसका पेरिस फ्रांस में है हेडक्वार्टर और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1945 में। तो इस तरीके से आप इसको नोट्स बना लीजिए इनके, या स्क्रीनशॉट लेके कर लीजिए आप इसको। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लाते रहेंगे। और मैं बता दूं, स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि अभी हमने हिस्ट्री कंप्लीट नहीं की है, अभी हमने सिर्फ एंशियंट वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट की है। जल्दी ही मैं मेडिवल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री लेके आऊँगी आपके लिए। तो हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।